हॉस्पिटैलिटी आज दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते इंडस्ट्रीज में से एक है। क्या आप इस ग्लोबल फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री का हिस्सा बन अपना करियर संवारना चाहते हैं? ज्वाइन करें मास्टर शेफ मैट्स बेलगाम एंड हुबली का बेस्ट होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, जहां आप पा सकते हैं दुबई, कुवैत, मॉरिशिया, सीशेल्स, फ्रांस, मलेशिया और सिंगापुर जैसे कंट्रीज में जॉब प्लेसमेंट्स। ज्वाइन करें मास्टर शेफ मैट्स। महामारी कोरोना के चलते सऊदी अरब के तरफ से विदेश से उमरा जाने के लिए प्रतिबंध लगाया गया था। जिस प्रतिबंध को हटाते हुए सऊदी अरेबिया के तरफ से विदेशियों के लिए उमरा की अनुमति दी गई है। उमरा करने वालों को मक्का के होटलों में 3 दिन तक क्वारंटाइन किया जाएगा, उसके बाद उमरा करने का मौका दिया जाएगा। मुंबई हाईकोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अर्णव गोस्वामी को इंटीरियर डिजाइनर को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। राज्य सरकार द्वारा बिजली का दर प्रति यूनिट के लिए 40 पैसे के हिसाब से बढ़ा दिया गया है, जिसको लेकर केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कहा है कि देश की आर्थिकता कोरोना के चलते संकट में है, सरकार तुरंत अपने आदेश को वापस ले और ये चेतावनी दी कि अगर एक हफ्ते में सरकार ने अपना आदेश वापस ना लिया तो राज्य में इसके खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। बेलगाम शाहूनगर में क्रांतिवीर संगोली रायन्ना की मूर्ति बनाने की अनुमति देने के लिए जिलाधिकारी से संगोली रायन्ना के चाहने वालों ने अपील की। उन्होंने कहा कि 3 महीने पहले रायन्ना की मूर्ति निर्माण के लिए महानगर पालिका में अपील की गई थी, लेकिन अब तक महानगर पालिका के तरफ से कोई जवाब नहीं आया और कहा कि उन्हें तुरंत रायन्ना की मूर्ति निर्माण करने की अनुमति दी जाए। बेलगाम तिलकवाड़ी के कला मंदिर कंपाउंड की दीवार आज दोपहर गिर गई, जिसकी वजह से वहां मौजूद 12 बाइक्स डैमेज हो गए हैं। तिलकवाड़ी पुलिस थाना में मामले की जांच की जा रही है। न्यू वंटमुरी में हाथी के दांत बेच रहे 2 लोगों को बेलगाम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 7 हाथी के दांत जब्त किए गए हैं, जिसकी लंबाई 3 से 5 इंच तक की है।